हमारे साथ इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री केपी मलिक जी हैं। आप लगातार बड़ौत से 2 बार के विधायक हैं, लंबे समय बड़ौत के चेयरमैन रहे, एमएलसी रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विशेष हैसियत, एक विशेष अहमियत आपकी रही है लंबे समय से। कैसा चुनाव चल रहा है सर इस समय? चुनाव प्रचार में लगातार कई दिन से हूँ। सतीश भाई जो मेरे साथ बैठे हैं, जिला पंचायत सदस्य, ये भी कई दिन से हमारे साथ ही हैं। जो अब की बार उत्साह मतदाताओं में है वो कभी देखने को नहीं मिला, और मुझे लगे कि भाकपा क्षेत्र से क्या दूसरे क्षेत्र से भी ऐतिहासिक जीत होने वाली। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो है सबका, जैसा कि बीजेपी का सिद्धांत है, आदरणीय योगी जी और मोदी जी का एक तौर तरीका है, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी और पूरा संगठन काम करता है। वही सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इस चुनाव में भी है। अच्छी तहजीब हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छा भाईचारा हो और हम सब मिलकर राष्ट्र के लिए काम करें, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो आपके प्रत्याशी हैं यहाँ से आरएलडी के, जो एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी हैं, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनके साथ आप लगातार काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे किस तरह की एक कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आ रही है? चूंकि एक लंबे समय आरएलडी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, अब गठबंधन में हैं, तो क्या कोऑर्डिनेशन की भी कोई समस्या आती है कभी? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, और डॉक्टर राजकुमार सांगवान के व्यक्तित्व का हम सबको प्रचार करने में बड़ा लाभ मिल रहा है। उनके व्यक्तित्व पर ना कोई आरोप है और ना उनके किसी तरह के कोई आरोप है, जिसका हमें चुनाव प्रचार में एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट होने जा रहा है 4 जून? बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत होने को है, क्योंकि हर सर्व समाज, हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी के लोग बड़े उत्साह के साथ अपने उम्मीदवार को जिताने में लीन है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये थे प्रदेश सरकार में मंत्री केपी मलिक जी, जो लगातार बागपत लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के साथ। धन्यवाद।